अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही दिन पहले चुनाव आयोग ने झारखंड के विधानसभा चुनावों के लिए डेट अनाउंस करी थी कि किस किस दिन वोटिंग डाली जाएगी और किस दिन नतीजे आएंगे झारखंड चुनावों के लिए। तो दोस्तों, 30 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होगा, वहीं 7 दिसंबर को दूसरा, तीसरा 12 दिसंबर को, चौथा 16 दिसंबर को, 20 दिसंबर को पांचवा होगा झारखंड में चुनाव, यानी 5 फेज में चुनाव होंगे झारखंड में। और 23 दिसंबर को दोस्तों नतीजे आएंगे कि किसकी बनेगी सरकार। पर इस चुनाव से वोटिंग होने से पहले और नतीजे आने से पहले मैं आपके लिए एक ओपिनियन पोल लेकर आया हूँ, झारखंड का बहुत ही ताजा ओपिनियन पोल है। आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है कि इस ओपिनियन पोल में झारखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाए। दोस्तों, ओपिनियन पोल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड में जो टोटल सीटें विधानसभा की वो 81 सीटें, और इस टाइम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है झारखंड में। और मैं आपको बता दूं, जो ओपिनियन पोल में ये निकल कर आ रहा है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी को दोस्तों ये निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 26 सीटें मिल सकती हैं, वहीं जेएमएम को दोस्तों 20 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एआईएमआईएम को 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टी को दोस्तों 8 सीटें मिल सकती हैं, इस ओपिनियन पोल में निकल कर आया। तो दोस्तों, आपको बता दूं, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है झारखंड के विधानसभा चुनावों के लिए, और जो बीजेपी के और जो सहयोगी पार्टी थी उनसे गठबंधन टूट गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार बनती दिख रही है झारखंड में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं झारखंड का ये ओपिनियन पोल, जो ताजा ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड इस बार छोड़ना पड़ सकता है, उसे झटका लग सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, इस पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामुअलैकुम।